Hi, this is Seema Ishwan Paikam, Nirmal Classes. Today I am going to represent Roman numeral system. Part 1, and mainly today 1 to 100, that is the base of Roman numerals. Okay. Now, first we have to learn some symbols. Here I have written Roman numerals, and here I have written Hindu Arabic numerals. It means its value. You can also call it Indian numeral system. मुझे बहुत बच्चों से मैंने कल फोन में बात किया कि रोमन numerals आपको किधर तक आता है. एक बच्चे ने कहा 1 to 10. One student told 1 to 20. एक ने तो ऐसे ऐसे किया. तो मैंने सोचा आज मेरे बच्चों का ए रोमन नंबर्स 1 to 100, आज 1 to 100 पार्ट 1 में. ओके, बाद में देखेंगे हम लोग कितना पार्ट्स बनाएंगे. ओके, नाउ सी, फर्स्ट दिस इज रोमन न्यूमरल्स. ओके, दैट इज सी, लिसन टू मी केयरफुली. टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स वी यूज आई वी एक्स L, C, D, M. I is 1. V is 5. X is 10. L is 50. C is 100. D is 500. M is 1000. To represent these numbers, we use these symbols. I repeat, to represent these numbers, if we have to write 1, we are using I. If we have to write 5, then we are using V. If we have to write 10, we are using X. If we have to write 50, then we are using L. And if we have to write 100, we are using C. And if we have to write 500, we are using D. And if we have to write 1000, we are using M. So, to write Roman numerals, you should know these count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You should know the 7 symbols. We call it symbols. 7 symbols you have to know. I, V, X, L, C, D, M. I, V, X, L, C, D, M. So by heart it. These symbols you have to by heart. Otherwise you can't go ahead. Okay. Now let us see some rules. Okay. See. First rule is, there are 7 basic symbols, that is I, V, X, L, C, D. Okay, that I already mentioned. Roman numbers does not have concept of 0 and place value. Now, listen to me. In Roman numbers, we don't have 0. And we don't have place value, just like unit place mein ye, 100 mein ye, tens mein ye, 100 mein ye, 1000 mein nahi. Roman numbers mein aisa nahi hai, isliye listen to me carefully. Now third, only 1 X, C, M can be repeated. Kaun sa bhi sentence mein, kaun sa bhi number mein, I, X, C, M ये रिपीट हो सकता है. तो फिर कौन सा रिपीट नहीं होता है जिसको मैंने कट किया है. V, L, D ये एक नंबर में 2 बार रिपीट नहीं होता है. ध्यान से सुनिए, इधर उधर किसी ने भी देखने का नहीं. ओके, उसके बाद ए सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स इन ए नंबर. एक नंबर में कौन सा भी एक सिंबल
तीन बार तक भी रिपीट हो सकता है, उसके बाद नहीं। वो बाद में मैं जब करती हूँ तब तुम्हें अच्छा करके विद एग्जाम्पल समझाती हूँ, अभी ओनली आई एम टेलिंग यू रूल्स। उसके बाद व्हेन ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट इज रिपीटेड। बरोबर सुनिए, आई रिपीट, व्हेन ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट इज रिपीटेड। मतलब आपने आई लिखा वन, फिर से आपने आई लिखा दो, फिर से आपने आई लिखा थ्री, मतलब इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट इज रिपीटेड। देन व्हेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू द स्मॉलर वैल्यू इज एडेड टू द ग्रेटर वैल्यू। अभी देखो, जब भी आप स्मॉलर वैल्यू का सिंबल को राइट में डालते हो, मतलब उस साइड में लिखते हो, इस साइड ग्रेटर वैल्यू है समझो और उस साइड स्मॉलर वैल्यू है समझो, तो उसका अर्थ क्या है, आप उस स्मॉलर वैल्यू को उसको ऐड करते जा रहे हो, इसका अर्थ वैसा है। ये भी एग्जांपल के साथ बताने वाली हूं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू द स्मॉलर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर वैल्यू। अभी देखिए, जब आप एक सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू को लेफ्ट में लिखोगे, लेफ्ट में कौन सा भी एक नंबर है उसमें ग्रेटर वैल्यू का एक नंबर है उसका आप लेफ्ट में लिखोगे, तो उसका अर्थ है आप उस स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो करके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड बिटवीन टू सिंबल्स ऑफ द ग्रेटर वैल्यू then it is always subtracted from the greater value from its immediate right. इसका अर्थ है, देखिए एक सिंबल है स्मॉलर वैल्यू का, वो दो सिंबल का बीच में आया है वो सिंबल दो, तो उसमें ऑफ ग्रेटर वैल्यू, तो आपको क्या करने का है, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू। उसको तुमने देखने का, इस साइड ग्रेटर है क्या उस साइड, जो ग्रेटर है जो इमीडिएट राइट, जिसका इमीडिएट राइट में है उसमें से आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हो दो वैल्यू का बीच में। इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, वो बीच में है वो सिंबल, वो स्मॉलर है और उसका दोनों साइड ग्रेटर है, तो आपको क्या करने का है, उसका इमीडिएट राइट में है ना, उससे आपको उसको सब्ट्रैक्ट करने का है। ये भी बाद में एक्सप्लेन करती हूं पढ़ाते वक्त। अभी नेक्स्ट, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। आई को हम लोग वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दूसरा नंबर से नहीं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं। X can be subtracted from L and C. X को L and C से ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, दूसरा नंबर से नहीं। अभी C can be subtracted from D and M only. C को हम लोग D and M से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दूसरे नंबर से नहीं, वो भी एक्सप्लेन करने वाली हूं। लेकिन ये पूरा जिधर 100 का ऊपर का नंबर कर्मल से वो सब शायद पार्ट सेकंड में आएगा। इफ ए बार इज प्लेस्ड ओवर ए सिंबल, लिसन टू मी केयरफुली, इफ ए बार इज प्लेस्ड ओवर ए सिंबल देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 लिखा और उसके ऊपर एक बार डाला, इसका अर्थ है 5 × 1000 इज इक्वल टू 5000। अगर मैंने 4 लिख के ऊपर बार डाला तो 4 × 1000 इज इक्वल टू 4000। ओके, नाउ दीज आर ऑल द रूल्स, नाउ आई शैल एक्सप्लेन इट वन बाय वन। ओके, नाउ सी, दिस इज इंडियन न्यूमरल
system. And this is Roman numerals. Here you can also write Hindu Arabic numerals. Now you have to listen to me carefully. One, listen to me. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. मतलब आज भाई तुम लोगों का रोमन न्यूमरल्स का कॉन्सेप्ट ऐसा तुम्हारा दिमाग में घुसाऊंगी कि आप उससे निकल नहीं पाएंगे. चलो वन वन लिखने के लिए आप लिखेंगे आई. दैट आई हैव टोल्ड यू. देखिए इधर लिखा है वन मतलब आई. ओके अभी मांगता है तो ऐसा डालो. अभी टू तो उसको आप और एक जॉइंट करो. टू हो गया. अभी थ्री. वन टू थ्री मतलब इधर हम लोगों ने कौन सा रूल यूज किया बताइए. हम लोगों ने फिफ्थ रूल इधर यूज किया है. व्हेन ए सिंबल इज रिपीटेड its value is added as many times as it is repeated. One, फिर से डाला. दो, फिर से डाला. थ्री, हो गया. वन टू थ्री, ये आपका ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ. अभी उन लोगों ने क्या बोला है आप ढूंढिए. एक ऐसा एक इधर एक रूल है बरोबर. देखिए देखिए इधर कौन सा है वो रूल. वन मिनट बरोबर पढ़ते पढ़ते जाइए. इधर ये फोर्थ रूल अभी आपको पढ़ने का है. ये सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ थ्री टाइम्स इन ए नंबर. कौन सा भी एक नंबर में आप लोगों ने कौन सा भी एक सिंबल थ्री टाइम आप यूज कर सकते हैं. उससे भी ज्यादा नहीं. यू कैन नॉट यूज मोर देन थ्री. चलो वन टू थ्री इधर यूज किया. इसका अर्थ है तुम अभी फोर ऐसा नहीं लिख पाओगे. क्यों? क्योंकि ये रूल है. ये सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ थ्री टाइम्स इन ए नंबर. वो हमने यूज करके हुआ तो इधर फोर यूज नहीं कर सकते. चलो उसको वैसे ही खाली रखो. अभी फिफ्थ फाइव लिखने को हम लोगों को मालूम है. अच्छा हम लोगों ने वी लिखा. फाइव को हम लोग वी बोलते हैं. ओके फिर ऐसा एक रूल ढूंढो जिससे हम लोग फोर लिख सकते हैं. देखो सेवेंथ रूल में जाओ. व्हेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू द स्मॉलर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर वैल्यू. ओके फाइव इधर लिखो वी. उसका लेफ्ट में वन लिखो. हमारा फोर हो गया. देखो फिर से मैं रीड करती हूं. व्हेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू. देखो ये वन आई स्मॉलर वैल्यू है. इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल. कभी भी इस साइड लिखते हैं तो लेफ्ट है. उस साइड लिखते हैं वो राइट है. is written to the left of a symbol of greater value. The smaller value is subtracted from greater value. So, ye smaller value 1, greater value 5, 5 minus 1, 4. Abhi tum logon ko ye samajh mein aaya. Chalo, now let us go to 6. 5 likho, aur I likho, V likho, I. 7, वी लिखो टू मतलब आई आई. एट लिखो थ्री. ओके तीन आई लिखा. बाबा वी सो ओ माय गॉड व्हाट वी हैव टू डू नाउ. इधर हमने थ्री बार यूज करके हुआ. अभी आप ऐसा नहीं लिख सकते नाइन को ऐसा वन टू थ्री फोर. नहीं ये रॉन्ग होता है. सो चलो जगह छोड़ो. टेन लिखो. टेन तुमको मालूम है
x, चलो x लिखा, तो अब ये 9 को कैसा लिखने का, 9 को ऐसा लिखने का, फिर से वो 7th रूल रीड करो, when a symbol of smaller value is returned to the left of a symbol of greater value, the smaller value is subtracted from greater value, okay, करेंगे minus, x से left को 1 i लिखा, तो हम लोगों ने क्या किया, 10 minus 1 is equal to 9, so we got 9, तो अभी एक बताइए, 6, 7, 8 में कौन सा रूल यूज किया है, 6, 7, 8 में बताइए, when a symbol of smaller value is returned to the right of a symbol of greater value, the smaller value is added to the greater value, देखिए, अभी ये 5, तो उसको हम लोग ने right में smaller value को add किया, मतलब 5 plus 1, 6, फिर से 5 plus 2, 7, 5 plus 3, 8, मतलब right में आप बरोबर सुनिए, when a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, इसके सामने ये पर greater value है ना, तो उसका अर्थ क्या है, smaller value is added to the greater value, लेकिन इधर और इधर, इधर क्या होता है बताइए, when a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of a greater value, the smaller value is subtracted from greater value. So now you came to know 1 to 10 how to write. Now listen here, I can, now we have, let us see another rule, I can be subtracted from V and X only, see, see my hand here, here, I, it is subtracted from V and X only in the full Roman numerals, that is I is subtracted only from V, V matlab 5 and X, it means 10, okay, now I think you might have understood 1 to 10, now let us see 11 to 20, okay. Now see 11. Now 10 you know. 1. I. 11. Now 12. Now 13. Which rule is used here? When a symbol is repeated, its value is added as many as times it is repeated. अभी 14, अभी ये 3 already आया, तो इधर क्या बताया है, ये symbol can be repeated up to a maximum of 3 times, 3 times already हुआ, तो हम लोग पहले 15 लिखेंगे, okay, तो अभी हम लोग ये 5 से 1 माइनस करेंगे, this is 14, तो इधर ये रूल सुनिए, इधर एक दूसरा रूल, if a symbol of small value is placed between two symbols, देखो ये small value 1 is placed between greater value, इधर 10 है, इधर 5 है, चलो रूल आगे पढ़ेंगे, of greater value, then it is always subtracted from the greater value from its immediate right, तो इसको हमें immediate right मतलब इस side का number से subtract करने का, तो 5 से 1 माइनस गया तो 14, अभी आपको समझा, तो अभी 16, 15 को 1, अभी 16 हुआ, मतलब हम लोगों ने एक बार आई डाला, दो बार डाला, अभी 3 बार डाला 18 को, ओके, हाँ, तो अभी
Even a symbol is repeated, its value is added as many as time is repeated. चलो, 1 डाला 16, 2 बार डाला 17, 3 बार डाला 18. लेकिन, a symbol can be repeated up to a maximum of 3 times in a number. तो 3 times करके हुआ, तो हम लोग 20 लिखेंगे, 20. ओके, हमने 20 लिखा, ओके? तो अभी ये कैसे लिखेंगे? तो हम लोग ऐसा माइनस करेंगे. ये 10 हुआ, ये प्लस 9, प्लस 9 मैंने आपको सिखाया था, तो ये हुआ 19. बात समझ में आया? 19, 10 लिखा और इस 10 में 1 माइनस किया. आप लोगों को मालूम है, अगर मैंने ऐसा हाथ पकड़ा तो ये हुआ 9. तो 10 प्लस 9 19. तो अगर 20 लिखने का है तो हम लोगों ने और एक एक्स डालने का, 10 प्लस 10 20. नाउ लेट्स सी 21 टू 30. अभी देखिए 20 21 22 23. कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, कौन सा रूल यूज हुआ? व्हेन ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट इज रिपीटेड. लेकिन ए सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स. 3 टाइम्स हुआ, तो अभी पहले ये लिख के लो 25. तो अभी 1 माइनस करो, I माइनस करो, व्हाट हुआ, क्या हुआ, 24. समझ में आया? इधर कौन सा फॉर्मूला यूज किया बताओ? 24 लिखते वक्त, व्हेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ ए सिंबल देन इट्स स्मॉलर वैल्यू इज एडेड टू द ग्रेटर वैल्यू. तो वो हम लोगों ने इधर तक किया, ग्रेटर वैल्यू के पूरे इसको एड हुआ, ओके? तो इधर हम लोगों ने ये आई, एक आई, दो आई, तीन आई, मतलब इधर हम लोगों ने व्हेन ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स इट इज एडेड. लेकिन इधर हमने कौन सा यूज किया, व्हेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू द स्मॉलर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर वैल्यू. मतलब देखिए, ये ग्रेटर वैल्यू और ये स्मॉलर वैल्यू, तो ये हुआ 24. नाउ दिस इज 25. नाउ सी 26, आई इज एडेड 1 टाइम. नाउ दिस इज 27, 2 आई इज एडेड. नाउ दिस इज 28, 3 आई इज एडेड. Now, हमारा रूल क्या है? ये सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स. 1 2 3 ज्वाइन हुआ, लेकिन अभी आप V111 ऐसा नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट हम पहले ये सिखाती हूँ 30. चलो 30 हुआ, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 20 प्लस 9 29. सी 20 नाउ 30 x x x. 30 इज फिनिश्ड. नाउ लेट अस डू फ्रॉम 31 टू 40. नाउ लेट्स सी फ्रॉम 31 टू 40. सी 30 i मतलब 1, 31, 32, 33. अभी देखिए इधर भी 3x, इधर भी 3. तो हमारा रूल क्या है, ए सिंबल कैन बी रिपीटेड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स इन ए नंबर. तो ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 35 लिखेंगे, ओके? नाउ 34, ओके? नाउ 36,
सेवन। अभी आप फास्ट लिख सकते हैं 38। तीन आया। देखिए अभी इधर प्रॉब्लम क्या है, अगर हमने 40 लिखा ऐसा 40 तो चार टाइम रिपीट हुआ नहीं चलता है, तो उसके लिए हम लोग पहले 39 लिखेंगे। 39 ओके 39। तो अभी 40 कैसे लिखने का उसको आइडिया है आपको। 50 को क्या बताते हैं मालूम है, एल। तो एल लिखने का उसमें हम लोगों ने 10 माइनस करने का, तो ये हो गया 40। फॉर एग्जाम्पल इधर रूल देखिए, व्हेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू द स्मॉलर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेट वैल्यू। तो इधर एल है ना, एल तो ये ग्रेटर वैल्यू, तो उसको हमने स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में लिखा तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। या फिर इधर एक रूल देखिए, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी। 50 लिखते वक्त अगर एक्स माइनस किया तो 40 हो गया। 100 वक्त सी लिखते वक्त अगर एक्स माइनस किया तो 90 हो गया। तो आपको अभी याद रखने का है एक्सएल मीन्स 40, 50 से वी सब्ट्रैक्टेड एक्स दैट इज 10। इट मीन्स 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। नाउ लेट अस लर्न फ्रॉम 41 to 50। अभी देखिए 41, अभी आपको 40 माने मालूम है एक्सएल। 41, 42, 43, 44, अभी आप फटाफट लिख सकते हो 45, 46, 47, 48, 49, नाउ 50। देखिए अभी ये लाइन आपने फटाफट लिखा, लिखा मतलब मैंने लिखा लेकिन आपको फटाफट समझा। ओके नाउ लेट अस लर्न फ्रॉम 51 to 60। नाउ यू कैन डू इट फटाफट। सी 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। लेकिन हाउ टू डू 60, ये तो 50 है तो उसको प्लस 10। रूल सुनो, रूल, व्हेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू द स्मॉलर वैल्यू इज एडेड। ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू इज एडेड। 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। ओके नाउ लेट्स सी 61 to 70। नाउ दिस वन इज 60, नो 61, इट इज आई 61 62, 63 64, 65, 66, 67, 68, 69। देखिए अभी फटाफट लिख सकते हो क्योंकि तुम्हें वो मैंने उतना अच्छा सिखाया। अभी 70 कैसे लिखने का देखिए, अगर ये 50 प्लस 10 60 तो प्लस 10 70। समझ में आया ना? ओके नाउ लेट्स डू फ्रॉम 71 to 80। नाउ सी 71 72 73
74, 75, 76, 77, 78, 79, 50, 60, 70, 80. 50 plus 10 plus 10 plus 10 is equal to 80. Now let's do from 81 to 90. Now 81. देखिए कितना मजा आ रहा है, मेरे को तो मजा आ रहा है, आपको भी आता होगा. Now see. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Baba. Now how to we write, how to write 90? Now you know. See here. 100 means C. Okay, C. तो C में 10 minus करो. 100 में 10 minus is equal to 90. Now see. Rule. When a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, the smaller value is subtracted. A greater value, a smaller value. Subtract karo 100 mein 10, 90. Ya phir idhar ek rule dekho. X can be subtracted only from L and C. Ek baar 50 likhte waqt, हम लोगों ने 40 लिखते वक्त एक्स एल लिखा, अभी 90 लिखते वक्त भी एक्स सी लिखेंगे. ओके, 90 इज इक्वल टू एक्स सी. नाउ लेट अस लर्न फ्रॉम 91 टू 100. नाउ सी 91, 100 माइनस 10, 90, 101, एक्स सी आई, 92, 91, 100 माइनस 10 plus 1, that is I, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. We finish up to from 1 to 100. Okay friends, today we have finished Roman numerals part 1, 1 to 100. Really I got lots of fun. You might have also understood and you might have enjoyed also. Agar aapko mera channel pasand aaya, mera concept pasand aaya, to aur aapko samajh mein aaya hai, तो ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मालूम पड़ता है आपको सचमुच का पसंद आया है. सब्सक्रिप्शन देके मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को पसंद आया है. तो वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन बाय.